दोस्तों, चाय वाली पत्ती बनाने का प्रोसेस चाय के बागों से शुरू होता है। चाय की पत्तियों को तैयार हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री तक लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन पत्तियों को अच्छी तरह खुश किया जाता है। 12 से 16 घंटे के बाद इन पत्तियों को एक कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है, जिसके नीचे वेंटिलेटर मशीनें होती हैं जो इन पत्तियों को अच्छी तरह सुखाती है। इन पत्तियों को अच्छी तरह सूख जाने के बाद एक ऑटो ड्रिलिंग मशीन होती है इन पत्तियों को साफ करती है। इसके बाद एक रोटेट मशीन इन पत्तियों को बारीक कर यानी इनकी चटनी बनाई जाती है, जो एक दूसरे कंटेनर में जाती है। इसके बाद ये बारीक पत्तियों को एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए आगे पहुँचाया जाता है। इसके बाद एक राउंड मशीन इन पत्तियों को एक जैसी शक्ल देती है। दोस्तों, इसके बाद इन पत्तियों को एक ऑक्सीडेशन मशीन में भेजा जाता है। दोस्तों, इस मशीन के ज़रिए पत्तियों के हरे रंग को काले रंग में तब्दील किया जाता है, यानी जैसे चाय की पत्ती का रंग होता है। दोस्तों, इसके बाद पत्ती को अच्छी तरह छान लिया जाता है। पत्ती छानने के बाद दोस्तों आप ब्लैक कलर की पत्ती हमारे पास तैयार हो जाती है। तो आप इन पर कंपनी के लेबर लगा कर तैयार करके कंटेनर के ज़रिए मार्केट में भेज दिया जाता है।